हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड ज्ञान। मैं आपका अपना हिमांशु कौशिक लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है, फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल बिग बिलियंस डे को स्टार्ट कर दिया है और इस सेल के अंदर हमें बहुत ही अच्छे प्राइजेस के साथ बहुत ही अच्छी डील्स मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका बजट 10,000 रुपीज़ तक है, तो इन 10,000 रुपीज़ में इस सेल के अंदर आपको कौन सी बढ़िया बढ़िया डील्स है जो मिल सकती है, तो इस वीडियो में हम इसी डील्स के बारे में बात करेंगे कि आपको 10,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर कौन से बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं जो इस सेल के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है इन्फिनिक्स होट 10। जी हाँ, इन्फिनिक्स होट 10। इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G17 का एक बहुत अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। 6 GB की एक आपको बहुत अच्छी रैम मिल जाती है और साथ ही साथ स्टोरेज की बात करें तो 128 GB का आपको इसमें स्टोरेज मिल जाता है। बैटरी बैकअप आपको 5200 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है और रियर कैमरे की बात करें तो 16 MP + 2 MP + 2 MP का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है और इसी के साथ साथ 8 MP आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। और ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो इसी लिस्ट में हमारा सेकंड नंबर पे आता है Realme Narzo 20A। जी हाँ, Realme का Narzo 20A। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और Snapdragon का 665 आपको प्रोसेसर दिया जाता है और वहीं रैम की बात करें तो 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 5000 mAh का आपको इसमें बैटरी बैकअप दिया जाता है और रियर कैमरे की बात करें तो 12 MP + 2 MP + 2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाता है और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 9,499 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो हमारी इसी लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है पोको C3। जी हाँ, पोको C3। इस फोन के अंदर आपको 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर दिया जाता है, 4 GB रैम के साथ 64 GB की आपको स्टोरेज दी जाती है, वहीं बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाती है और वहीं रियर कैमरे की बात करें तो 30 MP + 2 MP + 2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको दिया जाता है और वहीं 5 MP का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 8,999 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो हमारी इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर आता है रेडमी का 9 Prime। जी हाँ, Redmi 9 Prime। इस फोन के अंदर आपको 6.53 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G80 का आपको एक अच्छा प्रोसेसर दिया जाता है और वहीं 4 GB रैम के साथ 64 GB की आपको इसमें स्टोरेज मिल जाती है, बैटरी बैकअप की बात करें तो 5020 mAh का इसमें बैटरी बैकअप दिया जाता है और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 MP का इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है और 13 + 8 MP + 5 MP + 2 MP का इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया जाता है। तो और ये फ़ोन आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। तो हमारी इसी लिस्ट में लास्ट नंबर पे आता है Realme C3। जी हाँ, Realme C3। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और MediaTek का Helio G70 इसमें प्रोसेसर दिया गया है, 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज दी गई है और 5000 mAh की बैटरी बैकअप इसमें दी गई है और अगर रियर कैमरे की बात करें तो 12 + 2 MP का इसमें रियर कैमरा दिया गया है और वहीं फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये सभी फोन्स आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के अंदर बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ मिल रहे हैं। तो अगर आप भी एक स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 10,000 रुपीज़ तक है तो ये सभी फोन्स आपको जल्दी से जल्दी खरीदने का मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि ये सेल के अंदर ही आपको कम प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, बाद में इसकी प्राइस अप डाउन भी हो सकती है। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है 10,000 रुपीज़ में आपको इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन्स और कहीं से नहीं मिल सकते, तो आप जल्दी से जाके फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल के अंदर ये स्मार्टफोन्स खरीद लें।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में भी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।